आत्मा संबंधी सुंदर साहब जी। अक्षराती धाम धनी श्री राज जी, श्री इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान होकर कीर्तन के इस प्रकरण में, जो कि प्रकरण संख्या 80 है, सभी ब्रह्म सृष्टि कहलाने वाले सुंदर सात को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मेरे मीठे बोले साथ जी। साथ जी जो शब्द है वो एक संबोधन है। किसके लिए? साथ जी मतलब सुंदर साथ जी का संक्षिप्त रूप है, शॉर्ट फॉर्म है। और सुंदर साथ कौन? सुंदर साथ किसको कहते हैं? हम सेवा पूजा में कहते हैं ना, श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ। तो सुंदर साथ अथवा साथ जी शब्द का संबोधन किया है श्यामा जी के अंग अर्थात ब्रह्म सृष्टियों के लिए। अब इस प्रकरण में एक शब्द आया साथ जी, और पिछले प्रकरण की पहली चौपाई की शुरुआत भी साथ जी से ही होती है, और वो चौपाई है साथ जी पहचानियो ए वाणी समया फजर, हुई तुम्हारे कारणे खोल देखो निज नजर। वो प्रकरण और उस प्रकरण की चौपाई शुरू से लेकर के आखिर तक, और फिर इस प्रकरण की पहली चौपाई, और ये पूरा प्रकरण आपस में संबंध रखते हैं। वो संबंध कैसा? कि पहले ये बताया गया कि साथ जी अर्थात ब्रह्म सृष्टि कौन है, ब्रह्म सृष्टियां पहचान करेंगी तो कैसे करेंगी। संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वे धर्म ग्रंथ किनके लिए लिखे गए हैं, और वे ब्रह्म सृष्टियां जागृत कैसे होंगी, आत्म जागृति के मार्ग पर कैसे चलेंगी। तो पूर्व प्रकरण की पहली चौपाई में कहा साथ जी पहचानियो ए वाणी समया फजर, हुई तुम्हारे कारणे, आप लोगों के लिए हुई है। वाणी में एक महामती जी बात कहते हैं कि जा कारण माया रची, ध्यान से सुनना, जा कारण माया रची, शास्त्र भी ता कारण, खेल भी एही देखही और अर्थ भी लिए इन। कि माया की रचना, इस कालमाया के ब्रह्मांड की रचना भी विशेष रूप से हमारे लिए की गई है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाने से पहले खेल नहीं बनती थी। अक्षर ब्रह्म के मन के सांकल्पिक प्रतिबिंब अर्थात आदि नारायण के द्वारा ऐसे ब्रह्मांड अनादि काल से बनते जा रहे थे, मिटते जा रहे थे, और इस ब्रह्मांड के बाद भी अनंत काल तक यही लीला होती रहेगी। लेकिन ये जो ब्रह्मांड बनाया गया है वो हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए बनाया गया, इस खेल की जो रचना हुई है वो हमारे लिए हुई है। इस ब्रह्मांड की विशेषता क्या है? इससे पहले भी तो ब्रह्मांड थे ही, लेकिन विशेषता यह है कि इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रज रास और जागनी कही। तो इनका जो निर्माण किया गया वो ब्रह्म सृष्टियों के लिए। शास्त्रों की जो रचना हुई है, शास्त्र में नारायण तक की बातें, निराकार तक की बातें सब जगह पर है। जीव सृष्टि को उससे ऊपर की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जीवों के लिए तो चाहे परम धाम का भी वर्णन कर दिया जाए, लेकिन जाना तो उनको परम धाम है नहीं, लेकिन फिर भी परम धाम का वर्णन संकेत में कराया गया। कारण कि शास्त्र भी ता कारण, ब्रह्म सृष्टियों के कारण ही शास्त्रों की रचना हुई, उसमें परम धाम के संकेत दिए गए आदि नारायण के द्वारा, महाविष्णु के द्वारा। इसीलिए हम जब पद्धति गाते हैं तो पद्धति में हम ऋषि किसको कहते हैं?
ऋषि महाविष्णु है जो है, महाविष्णु ने हमारे लिए, हम ब्रह्म सृष्टियां आने वाले हैं, तो इसलिए उनके माध्यम से इस संसार में जितने भी धर्म ग्रंथों की रचना हुई, तो उन रचनाकारों के हृदय में अखंड के ज्ञान का बीजारोपण किया संकेत रूप में, इसलिए उनको कहा गया महाविष्णु ऋषि। तो उन शास्त्रों की रचना भी हमारे लिए हुई, और कहते हैं खेल भी यही देखें, खेल देखने वाले भी कौन है, ब्रह्म सृष्टियां। अब आपको लग रहा होगा कि जीव सृष्टि भी तो देख रही है कि नहीं, जीव सृष्टि देख रही है कि नहीं, हाँ या ना में तो जवाब दीजिए, सिर तो हिलाइए, नहीं, जीव सृष्टि खेल देख नहीं रही है, जीव सृष्टि खेल खेल रही है ना। या में जीव दोए भात के एक खेल दूजा देखन हार, एक खेलने वाले हैं एक देखने वाले हैं। ब्रह्म सृष्टियों के अंदर भी जीव तो है, लेकिन हमारे लिए धर्म ग्रंथों में एक संकेत किया गया, हमारे आचार्य जी यहाँ पर संस्कृत के बैठे में वो और अच्छे ढंग से समझ और समझा सकते हैं। कहते हैं द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम विश्वम परिस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ती अन्यश्चन अभिक चाकुषिति। कहते हैं कि एक ऐसा पेड़ है, उसमें दो पक्षी है, उसमें से एक पक्षी उस पेड़ के फल को खाता रहता है और दूसरा देखता रहता है, वो कौन है, हम ब्रह्म सृष्टियां। तो जीव देखने वाले नहीं है, जीव तो खेलने वाले हैं। हाँ, जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है जिस किसी आत्मा को, जो आत्मा किसी जीव के ऊपर विराजमान होती है अथवा आत्मा विराजमान न भी हो, तब भी ब्रह्म ज्ञान लेकर के, स्वयं को अंगना भाव लेकर के, ब्रह्म सृष्टि का भाव लेकर के, श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप के ऊपर जो पूर्ण ईमान ले आएगा, वह भी दृष्टा भाव में स्थित हो जाएगा। लेकिन वो कब, ब्रह्म ज्ञान को, वाणी को आत्मसात करने के बाद, श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप पर दृढ़ ईमान लाने के बाद, वो अवस्था पैदा होगी जिसको वाणी कहती है जीव टल होसी आत्म, जीव आत्मभाव में स्थित हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जीव भी देखने वाले हैं, जीव खेलने वाले हैं, तो देखने वाले कौन है, खेल भी यही देख रही, हम ब्रह्म सृष्टियां खेल देखने वाली हैं। और अंतिम चरण में कहते हैं और अर्थ भी लिए इन, तो दो चीजों की रचना हुई, शास्त्र और खेल, तो अर्थ लेने वाली भी ब्रह्म सृष्टियां हैं और खेल को देखने वाली भी ब्रह्म सृष्टियां हैं। तो वो सारी पहचान दी गई हमें पहले प्रकरण में, और अब पहचान होने के बाद मुश्किल काम क्या होता है, पहचान होना। एक बार पहचान होने के बाद ईमान लाना तो सरल होता है, बिना पहचान के ईमान लाना सरल है कि मुश्किल है, मुश्किल। तो पहचान हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, वो काम हो गया हमारा। काम कैसे हुआ, ज्ञान के माध्यम से हमें प्रियतम परब्रह्म अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की पहचान दी गई, और कहते हैं मेरे मीठे बोले साथ जी कि श्रीमुख वाणी के इन मीठे वचनों से, क्योंकि कहते हैं इस संसार में भी एक उदाहरण दिया जाता है कि जो जैसा होता है, जो जैसे पद पर होता है, वो वैसा ही बोलता है। आपने देखा होगा, कभी यात्रा तो आप लोगों ने की ही होगी, गाड़ी में जब आप बैठते हैं, अगर आपने गलती से भी ट्रैफिक के नियम को तोड़ दिया किसी तरह से, किसी भी वजह से, तो ट्रैफिक पुलिस आपसे बात करता है, शीशा नीचे उतारने के लिए बोलता है और बात करता है। कैसे बात करता है, 90%, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग एक जैसे होते, लेकिन 90% ट्रैफिक पुलिस जब बात करेंगे तो तू तड़ाक की भाषा में बात करेंगे, है ना, रे करके बोलेंगे, उनकी शैली वैसे हो जाती है। लेकिन वहीं अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, तो जिला अधिकारी होगा, वो कैसे बात करेगा, वो सम्मान पूर्वक बात करेगा। और अगर प्रधानमंत्री हुआ, राजा हुआ, तो वो और अधिक सम्मान के साथ में बात करेगा। आपने देखा होगा कि पुराने सीरियल वगैरह में देखा ही होगा, महाराणा प्रताप इत्यादि के सीरियल में, वहां सबसे नौकर नौकरानियों से भी आप करके बात किया जाता है, और सामान्य लोग अपने नौकर नौकरानियों से तू तड़ा करके बात करते हैं, ए छोटू करके बात करते हैं। क्यों,
कि जो जितने उच्च स्थान पर होता है वो वैसी मर्यादा निभाता है। तो वाणी कहती है, जाको नामई रसना होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जैसी बुजरगी जुबा होत है तीन माफक। जो जितना महान होता है, जो जितना बड़ा होता है, उसकी जुबा भी वैसी होती है। तो प्रियतम अक्षरातीत की शोभा से बड़ा तो कोई नहीं है, उनकी शोभा से बड़ी किसी और की शोभा नहीं है, तो उनसे मीठा बोलने वाला भी और कोई नहीं है। इसलिए प्रियतम के इन मीठे वचनों के द्वारा महामती जी कह रहे हैं, हुआ तुम्हारा काम, कि आप सुंदर साथ का काम हो गया है। और आगे कहते हैं, प्रेमई में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, सखीरी धाम जइयो। धाम चलने से संबंधित ये कीर्तन है। धाम चलने से संबंधित मतलब कि हमें परम धाम जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब धाम कैसे चलेंगे? धाम जाने के दो तरीके हैं, एक आत्मिक दृष्टि से और एक परात्म की दृष्टि से। आत्मिक दृष्टि से धाम कैसे जाएंगे? जब तक सभी ब्रह्म सृष्टियों की जागनी नहीं हो जाती, तब तक इस कालमाया के ब्रह्मांड में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सागर और श्रृंगार की वाणी से, खिलवत परिक्रमा की मारिफत सिंधी की वाणी से, हृदय में प्रेम को बसा करके, क्योंकि प्रेम ही में मगन होइयो, प्रेम बसा करके जब हम प्रियतम को चितवनी के माध्यम से याद करते हैं, तो हमारी सुरता हद बेहद और अक्षर से परे परम धाम पहुंचती है। उसको कहा गया धाम चलना। जैसे हम वाणी गायन करते हैं ना, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, तो हमारी वासना, हमारी सुरता अगम के पार कैसे पहुंचती है? अथवा जब हम तारतम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार वहां कैसे पहुंचते हैं? हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इंधर, वहां जागृत कैसे होते हैं? चितवनी के द्वारा। ज्ञान से हम पूरा वर्णन कर सकते हैं, लेकिन सूरता हमारी नजर हमारी कैसे पहुंचेगी? जब हम प्रेममय चितवनी में बैठते हैं। तो यहाँ धाम चलने का तात्पर्य यही है कि हृदय में प्रियतम के प्रति प्रेम बसाना है, उस प्रियतम की प्रेममय छवि को, उस नूरी छवि को बसाना है, और अपनी सूरता को परम धाम में विचरण कराना है, परम धाम के 25 पक्षियों में घुमाना है, अथवा राज्य के आनंद में, राज्य के नख से लेकर के शिख तक की शोभा में डुबोना है। उसको क्या कहा गया? प्रेमई में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। प्रेम में मग्न होने की बात की गई है। एक होता है प्रेम का आना, प्रेम आना वैसे तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी उससे भी मुश्किल काम क्या है? प्रेम का ठहरना। पहचान बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो पहचान कायम रहना मुश्किल है। जैसे कुछ उदाहरण से, 5000 की जमात श्रीजी के साथ पहुंची थी पन्ना जी, सभी कहीं ना कहीं पहचान करके ही तो निकले होंगे ना घर बार छोड़ करके, लेकिन वही सुंदर साथ जब उदयपुर में औरंगजेब का हमला होता है, उनका ईमान डगमगा जाता है। तो ईमान आना, पहचान होना बड़ा काम नहीं है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईमान पर बने रहना बड़ी बात है। मंदसौर में जब भिक्षा मांगते हैं तो ईमान डगमगा जाता है। आप देखिए, दिल्ली में गादी की महिमा समझाने के लिए, नौतनपुरी की गादी की महिमा समझाने के लिए तीन सुंदर साथ जाते हैं, प्रेम जी, नाग जी और संग जी। तीनों को श्री जी के स्वरूप की पहचान होती है, लेकिन क्या तीनों की पहचान बनी रहती है? वहां से लौटने के बाद पहले उन्होंने चिट्ठी लिखी श्री जी के तरफ से सुंदर साथ को कि हमने यहाँ पर श्री देवचंद्र जी साहेब को बैठे हुए देखा, लेकिन जब वहां से लौटे
लौटने के बाद में उन्होंने चिट्ठी लिखी, क्या लिखा कि फेर ठोर ठोर पाती लिखी अपने फिरे की, अपने ईमान से फिरने की पाती लिखी, और उसमें लिखा कि मत कोई लियाइयो ईमान तरफ श्री जी साहिब जी। कहते श्री जी के तरफ कोई ईमान लेके मत आना, तो प्रेम आना, ईमान होना, पहचान होना, ये बड़ा काम नहीं है। उस प्रेम पर, ईमान पर और पहचान पर बने रहना वो बड़ा काम है, क्योंकि उस आपके प्रेम की परीक्षा ली जाएगी, आपके ईमान की परीक्षा ली जाएगी, आपके विश्वास की परीक्षा ली जाएगी कि उस विश्वास पर, ईमान पर कोई कितना खड़ा रह पाता है। कई बार तो आपको ये भी दिखाया जाएगा कि जैसे जिनको आप सतगुरु समझ करके ईमान ला रहे हैं, आपको इस संसार में राज्य ये भी दिखाएंगे, अथवा माया भी कई बार दिखाएगी कि जिनको हम सदगुरु समझ रहे उनके अंदर तो ये कमी है और फलाना व्यक्ति उसके अंदर तो ये कमी नहीं है। जैसे एक उदाहरण के लिए कि श्रीजी साहेब का भी अगर यदि उदाहरण ले, तो श्रीजी ने एक बार जब ब्रह्ममुनियों को कष्ट पहुंचा था दिल्ली के अंदर, तो श्रीजी के मुखारविंद से निकल गया कि अब मैं देखता हूं कि जो मुगल साम्राज्य है वो कैसे उत्थान की तरफ जाता है, अब मुगल साम्राज्य का पतन होगा, और उसके बाद वैसा ही होना शुरू हुआ। सुंदर साथ के द्वारा निर्मित जो घर था गढ़े के अंदर, जब वहां के राजा के माध्यम से उस घर को तोड़वाया गया, तोड़ा गया, तो गढ़े को लानत लगी। अब सोचिए, एक उदाहरण के लिए, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन एक उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो नया नया श्रीजी से जुड़ा होता, अगर वो ये भी देख सकता था कि गौतम बुद्ध जो थे, अक्षरातीत का आवेश नहीं है उनके अंदर, एक संसार की जीव है, महापुरुष है वो, लेकिन गौतम बुद्ध ने तो कभी इस तरह से किसी के लिए बात नहीं की। तो कोई ये भी कह सकता है कि देखो, गौतम बुद्ध ने तो कभी अपने शिष्यों के लिए ऐसा नहीं किया, अथवा गौतम बुद्ध ने कभी किसी के को लानत नहीं दी, लेकिन मिहिर राज जी का जो तन है वो ब्रह्म सृष्टियों के प्रति ऐसा होता हुआ देख करके ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो ईमान वहां पर डगमगा सकता था। तो वैसी जो परीक्षा है वो असली परीक्षा है। तो ईमान लाना, प्रेम लाना बड़ा काम नहीं, उस पर कायम रहना बड़ी बात है। भजन जो बनाया गया है ना कि ईमान कायम रखना, ईमान लाना ऐसा नहीं कहा, जिस भी सुंदर साथ ने बनाया है ये बहुत सोच समझ करके बनाया है, क्योंकि ईमान लाना बड़ा काम नहीं है, ईमान पर कायम रहना बड़ी बात है। अब मैं आता हूं प्रसंग में। चौपाई कह रही है, प्रेमई में मगन होइयो। मग्न होने का मतलब उसमें डूबे रहना, उसमें स्थित रहना, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है, हमारा प्रेम, हमारा ईमान गोवर्धन जी की प्रसंग की भांति है। गोवर्धन जी का ईमान कैसा बताया गया था, वो भी एक बार के लिए, हमें वो उदाहरण देने का भी वैसे अधिकार नहीं है। अधिकार क्यों नहीं है, क्योंकि गोवर्धन जी जब थोड़ा सा पीछे हट गए थे, वो कब पीछे हटे थे, जब जान पर बात आई कि अगर हम एक कदम आगे बढ़े तो मौत है वहां पर, तब वो एक कदम पीछे हट गए और उन्होंने निर्णय लिया कि श्री जी को पूरी बात नहीं बतानी है। इसका मतलब क्या है कि 100% सैक्रिफाइस, समर्पण करने से वो पीछे हटे, लेकिन हमारी तो अभी शुरुआत भी तो नहीं है ना, हम तो 10% भी नहीं है। गोवर्धन जी तो कम से कम घर बार छोड़कर निकले तो सही, जागनी यात्रा के क्रम में घर बार छोड़ करके तो निकले, दिल्ली तक तो पहुंचे। हाँ, जब बारी आई कि औरंगजेब के पास जाना है, तब वो थोड़ा पीछे हट गए। हमें वैसे तो वो उदाहरण देने का भी अधिकार नहीं, क्योंकि हम उतने भी लायक नहीं है, फिर भी समझने के लिए अगर मैं बताऊं तो हमारी अवस्था ऐसी ही है कि चर्चा सुन रहे हैं, तो चर्चा सुनने तक हम दुनिया के वैर भाव को भी भुला देते हैं। हमें लगने लगता है जैसे यहाँ से हम चितवनी की बात सुनेंगे, चितवनी की चर्चा सुनेंगे, प्रेम की बात सुनेंगे, जागनी के लिए आह्वान सुनेंगे, सेवा के लिए जब आपको कहा जाएगा तो आपके मन में थोड़ी देर के लिए लगता है, और ऐसा नहीं कि एक बार, जब जब चर्चा सुनते हैं तब तब हमें लगता है कि हमें सेवा करनी चाहिए,
हर बार हमें लगता है कि ये जो माया है, मोह माया, नश्वरता, ये नश्वर संसार है, सगे संबंधियों का जो मोह है, उससे ऊपर उठ करके हमें जागने की राह में आगे बढ़ना चाहिए। जब हम दीप बंदर के प्रसंग को सुनते हैं और जिसमें श्री जी कह रहे हैं कि कोई ना अघाया इनमें चचोड़त ठौर मुर्दार कि हे जयराम भाई, इस कालमय के ब्रह्मांड में तृप्ति किसी की भी नहीं हुई है, तो हमें भी लगता है कि हाँ हमारी भी तो किसी की उम्र 30 साल हो गई, किसी की 40, 50, 60, 70 साल की हो गई, लेकिन हमारी भी तृप्ति तो नहीं हुई है। तो हमें शायद ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए, हमें राज्य की सेवा में लगना चाहिए, हमें अब एक तरफा चितवनी की तरफ बढ़ना चाहिए, सेवा की तरफ, जागनी की राह में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा हमें तब तक लगता है जब तक हम चर्चा सुन रहे हैं। लेकिन जैसा कि श्री लालदास जी ने कहा कि हमारा इन चटाई पर मन रहत कछु और, यहाँ सेती उठ जात है तब चहन न रहे बैठोर, तो हमारी वो स्थिति नहीं रह पाती। तो इसलिए, और रही बात प्रेम की, तो यहाँ बैठ करके हमने सुना कि सुंदर साथ में आपस में वैर भाव नहीं होना चाहिए, आपस में दुश्मनी रंजिश नहीं होनी चाहिए। सभी हम परम धाम के हैं, जैसा कि चौपाई ने कहा, श्यामा जीना अंग हो सुंदर साथ, तो हमें लगता है कि हमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से उठते हैं, पहले तो हम श्यामा जी के अंग कहते हैं अपने आप को, उसके बाद में हम अपने आप को कैसे बांट लेते हैं कि हम गुजराती सुंदर साथ, हम पंजाबी सुंदर साथ, हम यूपी वाले सुंदर साथ, हम नेपाल के सुंदर साथ, ऐसा करके हम बट जाते हैं। अच्छा, इससे नहीं बटे अगर तो हम कैसे बटते हैं? हम नौतनपुरी वाले, हम सूरत वाले, हम पन्ना वाले, हम सरसावा वाले, हम रतनपुरी वाले, ऐसे बटते हैं। अच्छा, ऐसे भी नहीं बटे तो कैसे बटते हैं? किन्हीं परमहंसों के नाम से बटते हैं कि हम तो परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी को मानने वाले हैं, हम कृष्ण प्रियाचार्य जी को मानने वाले हैं, हम बाबा दयाराम जी को मानने वाले हैं, हम मंगलदास जी को मानने वाले हैं। तो परमहंसों के नाम से हम आपस में बटते हैं, आपस में झगड़ा होता है कि कौन सा परमहंस बड़ा है। सोचिए कि परमहंसों को, जितने परमहंस हुए छठे दिन की लीला में अब तक, सबको एक मंच पर रख दिया जाए तो आपस में कोई झगड़ा नहीं होगा, सभी इतने प्रेम से मिलेंगे, क्योंकि सब तो परमहंस परमधाम वाले भाव में हैं, तो सभी एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से, परात्म की दृष्टि से देख रहे हैं कि हम तो वहां की हैं, हम वहां ऐसे कैसे बैठे गले लग करके ना, और कालमाया के ब्रह्मांड में ऐसे, मतलब वहां गले लगे हुए हैं और यहाँ गले हम दबा रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है ना यहाँ पर। तो परमहंस आपस में सब एक साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहेंगे, लेकिन हम परमहंसों के नाम पर ही विवाद करते हैं कि नहीं, ये वाले परमहंस ज्यादा बड़े हुए, इन्होंने ज्यादा चमत्कार किया, इनके द्वारा ज्यादा मंदिर की स्थापना हुई, इन्होंने ज्यादा सुंदर साथ को जोड़ा, जबकि परमहंस का मतलब परमहंस ही होता है, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। परात्म जुजवीते दिशे देह है ना, अलग अलग तो शरीर है, आत्म सहुनी एकज दिशे, आत्मा सबकी एक जैसी है, तो जब हम आत्म भाव में स्थित होंगे तो एक जैसे दिखेंगे। अब जब हम आत्म भाव में स्थित होंगे, एक जैसे दिखेंगे, तभी तो हम सबसे प्रेम कर पाएंगे ना। शरीर भाव से देखेंगे तो क्या दिखेगा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं पटेल हूं, मैं अलग अलग जातियां दिखाई पड़ेंगी, ये दिखाई पड़ेगा कि मैं अमीर हूं, वो गरीब है, मैं बिजनेसमैन हूं, वो जॉब करता है, मैं इस गादी को मानने वाला हूं, वो उस गादी को मानने वाला, इस तरह से जुदाई ही जुदाई दिखाई पड़ेगी, एक होने का कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए इस कालमाय के ब्रह्मांड में यदि कोई हमें एक कर सकता है तो वो क्या है, वो है ये वाणी, और दूसरा है धनी। धनी के प्रेम को यदि हम अपने हृदय में भी बसाएंगे और सामने वाले के हृदय में भी ये देखेंगे कि वो हमारे धनी की अर्धांगिनी है। सोचिए कि संसार के सामान्य लोग क्या कहते हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, जो ब्राह्मण में,
गाय में, हाथी में, चींटी में, सब में एक चेतना को देख करके सबसे प्रेम करता है, उसको वास्तव में पंडित कहा जाता है, ज्ञानी कहा जाता है। ऐसा शास्त्रों का कथन है, ऐसा धर्म ग्रंथों का कथन है। तो इसीलिए हम सुंदर साथ को भी सिर्फ ऐसा नहीं कि चर्चा सुनने तक प्रेम आया और यहाँ से उठने के बाद, जैसे हम उठते हैं ना तो क्या होता है, जैसे कपड़े हमारे सिकुड़े हुए हैं, उठते हैं तो क्या करते हैं, कपड़े हम थोड़ा ऐसे सीधा करते हैं, तो जैसे हम कपड़े झाड़ते वैसे ही सुना हुआ ज्ञान भी झड़ जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है, अगली चौपाई में महामती जी क्या कहते हैं, दौड़ सको सो दौड़ियो। अब इस चरण को ध्यान रखना है, दौड़ना कैसे, हमारी दौड़ कैसी है, कैसी है, एक घोंघा पता है घोंघा क्या होता है, एक पानी में एक प्राणी होता है ना जो शंख की तरह दिखता है, छोटा सा होता है, इंग्लिश में स्नेल कहते हैं उसको, धीरे 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 चलता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि हमारी जो दौड़ है वो कछुए की जैसी है, कैसी, कछुए की जैसी। और कहने को हमने क्या कह रखा है, हमारा मार्ग कौन सा है, विहंगम मार्ग। विहंगम मतलब पक्षी के जैसा। संसार में परमात्मा को पाने के लिए तीन रास्ते बताए गए हैं। एक रास्ता है पिपिल का मार्ग, मतलब चींटी वाला, कीड़ी कीड़ी वाला, ठीक है, चींटी का रास्ता मतलब शरीयत का। दूसरा जो रास्ता बताया है उसको कहते हैं कपी मार्ग। कपी कहते हैं बंदर को। बंदर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में उछलते हुए जाता है और थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है। और तीसरा मार्ग बताया विहंगम मार्ग। विहंगम मतलब पक्षी, चिड़िया। चिड़िया कैसे चलती है, अपने पंखों के बल पर उड़ करके तीव्र गति से अपने मंजिल तक पहुंचती है। अब हमारी भी मंजिल कैसी है, हमारे पंख कौन से हैं, हमारे पंख इश्क और ईमान की। और न हमारे अंदर इश्क है न हमारे अंदर ईमान है। अब सोचिए कि इश्क और ईमान के पंख ही नहीं है तो हम कैसी चिड़िया हैं। नीति में एक श्लोक में कहा गया, अगच्छन वैनतेयो अपि पदम एकम न गच्छति। वैनतेय कहते हैं विनीता का पुत्र। विनीता का पुत्र गरुड़ को कहा गया है। गरुड़ का नाम तो सुना ही होगा, विष्णु भगवान का वाहन कहा जाता है ना, तो गरुड़ के लिए कहा जाता है को कि वो मन की वेग से उड़ता है। लेकिन अगर वो अपने पंख ही ना खोले तो कितना उड़ सकता है। पदम एकम न गच्छति, एक पद भी, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अब हमने अपने आप को क्या कहा कि हम शरीयत तरीकत वाले नहीं है, हम तो कौन से वाले हैं, हकीकत और मारिफत वाले। उनमें से भी अगर आपको कह दिया जाए कि आप हकीकत वाले हैं कि मारिफत वाले, एक चूज करो, तो क्या कहेंगे, हम तो मारिफत वाले हैं। हमारा नाम हकीकत बहादुर और मारिफत लाल है, लेकिन अवस्था कैसी है बताएं। कीर्तन में एक चौपाई आती है ना, ज्यो धूरत नाम धरावे धनवंत पासे नहीं दमड़ी रोक। कि जैसे कोई धूर्त व्यक्ति अपना नाम रख ले कि मैं धनवान हूं लेकिन पास में एक रुपया भी नहीं है। हिंदी में कहावत कही जाती है, आंख का अंधा और नाम नैन सुख। हमारे हृदय में प्रेम की सुगंधि भी नहीं है, ईमान हमारा बात बात पर डामाडोल हो जाता है, और हम अपने आप को कहें कि हम तो हकीकत और मारिफत की हैं, हम तो परम धाम के 25 पक्षों में प्रेम में डूब करके विचरण करने वाली ब्रह्म सृष्टि है, तो कोई फायदा होगा, क्योंकि प्रेम कहने से तो नहीं आएगा ना, प्रेम तो व्यवहार में दिखता है। इसलिए महामती जी कहते हैं दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचिया अवसर। अब अवसर आ गया है, अब वो मौका है कि जिस मौके को भुना करके हम, जो दरवाजा खुल चुका है धाम का, उसमें प्रवेश हो सकते हैं। क्योंकि दरवाजा खुला है, दूर से देखेंगे तो पता चलेगा कि अंदर क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर बोलना बंद करें,
इस सत्संग हॉल का दरवाजा खुला है, कोई व्यक्ति बाहर ही बाहर से निकल जाएगा, दरवाजा देखेगा, उसको पता तो नहीं चलेगा ना कि अंदर कौन बैठा है, अंदर क्या चल रहा है। धाम का दरवाजा खुला, लेकिन अंदर प्रवेश करने के लिए तो हमें तैयारी चाहिए। तैयारी कैसी? कि यो तैयारी कीजियो, आगू करनी है और सब अंग गुस्सा लेके, क्या लेके? अच्छा, सब अंग इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। हमारी अवस्था क्या है? चौपाई जैसा कह रही है, हमने इसका बिल्कुल उल्टा कर रखा है। चौपाई कहती है मेरे मीठे बोले साथ जी, हम कहते हैं मेरे कड़वे बोले साथ जी, है ना। हम सुंदर साथ में आपस में हम कितना मीठा बोलते हैं, और अगर कोई मीठा बोलता भी है तो हृदय में कितनी कड़वाहट है, क्योंकि बोलना मीठा पर्याप्त नहीं है, हृदय भी तो मीठा हो ना, वरना कड़वा ही बोले तो ठीक है। किसी साधु ने कहा कि तन उजला मन मैला, ऐसे बगुला अंग इन थे तो कौवा भला, तन मन एक ही रंग। कि कौवा वैसे तो दिखता तो काला है, लेकिन अंदर भी वो काला है। बगुला दिखता सफेद है लेकिन अंदर काला है, तो उससे अच्छा है कि कौवा ठीक है। तो पहली बात कि या तो हृदय में प्रेम लाए, अनायास ही हम मीठा बोलना शुरू कर देंगे, या फिर बनावटी ना बोले, ठीक है। क्योंकि बनावटी जो मीठापन है वो और अधिक घातक होता है, समाज उस भ्रम में भ्रांति में आ जाता है कि ये कितना मीठा बोलते हैं, लेकिन हृदय की कपट को मापने वाला कोई यंत्र हो तो वो फट जाए, ऐसे भी मीठापन रखने वाले होते हैं समाज में, तो इससे भी बचने की आवश्यकता है। तो हृदय में जब प्रेम लाएंगे, वो कटुता, वो कड़वापन, वो तीखापन जो भी है व्यवहार में, वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। अब आवश्यकता क्या है? कह रहे हैं दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचे अवसर, फुरमान में फुरमाइया, आया सो आखिर। अब ये अंतिम समय, आखिर मतलब अंतिम समय चल रहा है, जो कि धर्म ग्रंथों में राज्य ने फुरमाया है, राज्य ने कहलवाया है। धर्म ग्रंथों में क्या कहलवाया? कि ब्रह्म सृष्टियां इस जगत में 28वीं कलयुग में आने वाली हैं। अलग अलग धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी कराई गई, और ये भी कहा गया कि जो ब्रह्म सृष्टियां आएंगी तो उनके द्वारा कैसी लीला होंगी, उनको जगाने के लिए किस तरह से अखंड का ज्ञान लेकर के विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होंगे, और कैसे उस ज्ञान के द्वारा समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति की सौगात उपहार मिलेगी। हम चौपाई में तो कहते हैं मोहे दिल में ऐसा आया, ये जो खेल देखा ब्रह्मांड तो क्या देखी रे हम दुनिया, जो इनको न करूं अखंड। लेकिन हमें उस ब्रह्मांड को अखंड करने की तैयारी हमने नहीं की है, सिर्फ मुख से कह देने से कि तथास्तु अखंड थोड़ी होगा, उसके लिए तो हमें अपनी तरफ से कुछ करना होगा ना। सोचिए कि जिस तन में साक्षात अक्षरातीत विराजमान है, उन्होंने कितना किया अपने वादे को पूरा करने के लिए, ब्रह्म सृष्टियों के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, प्रेम को व्यक्त करने के लिए उन्होंने कितना किया। यदि हम भी कह रहे हैं कि हमारे हृदय में प्रेम है तो हमें क्या करना चाहिए? अब जैसा कि महामती जी कह रहे हैं कि फुरमान में फुरमाइया, आया सो आखिर, आखिरी का समय चल रहा है, एक और अंतिम चौपाई, बस 5-7 मिनट का समय है, उसको लेकर के फिर हम प्रसंग को समाप्त करते हैं। समझ करके कहते हैं, वर्णन करते जिनको धनी कहते सोई धाम। श्री देवचंद्र जी के हृदय धाम में विराजमान होकर के धाम धनी जिस परम धाम का वर्णन करा रहे थे, अब हमें भी क्या करना है कि जैसे श्री देवचंद्र जी ने हमें जागृत करने के लिए ज्ञान दृष्टि से जैसे सेवा की है, अब हमें क्या करना है कि उस ज्ञान को धारण करके, कहते हैं दो काम करना है, दो चीजों को संभालना है। सेवा सूरत संभारियो, करना यही काम। अब हमें और कोई काम नहीं करना है, अब हमें क्या करना है कि हमें एक तो सेवा की जिम्मेदारी को संभालना है, और एक हमारी सूरता को संभालना है। सूरता को संभालने का मतलब इधर उधर ना भटका करके, कहां भटके हमारी सूरता,
परम धाम के 25 पक्षियों में, क्योंकि भटकाने के लिए बहुत कुछ है परम धाम में भी। मन का विषय क्या है? भटकना ही तो है ना मन का काम। और जब इसको भटकना ही है तो परम धाम में भटकाएं, परम धाम के 25 पक्षों में भटकाएं। इस ब्रह्मांड के लंबाई चौड़ाई के हिसाब से भी गणना करें तो उससे अनंत गुणा लंबाई चौड़ाई परम धाम है, तो उसमें भटकाएं हम। तो हमें अपनी सुरता को संभालना है, और साथ ही साथ हमें सेवा संभालनी, कहते हैं करना यही काम, इसके अलावा और हमें कोई कार्य नहीं करना है। प्राणधार सुंदर साहब जी, ये जो 100 दिवसीय जागनी यात्रा चल पड़ी है उसका दूसरा दिन है आज। दूसरे दिन का पहला मंच है। अब चूंकि अंतिम 5 मिनट बचा है, चौपाई का अर्थ हम समझ चुके हैं, भाव समझ चुके हैं, प्रसंग समझ चुके हैं, क्या कहना चाह रही है वाणी हमें वो समझ चुके हैं। अब बस इतना समझे कि हमें करना क्या है, कि ये जो जागनी यात्रा है वो है बीजारोपण, बीज डालने का काम है ये। सुंदर साथ को ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि ये 100 दिन में जागनी पूरी हो जाएगी। जागनी का जो फल है उस फल को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि 400 साल पहले से इस जगह पर बीज डालने की शुरुआत हुई है। विभिन्न समय में अलग अलग परमहंसों ने, अलग अलग गुरुजनों ने भी ये काम किया है, लेकिन हुआ क्या है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो निष्फल गया है, लेकिन ऐसा हुआ है कि इतने समय तक उन वृक्षों के जो पत्ते जमीन पर गिरते गए, जो भूमि है वो बहुत उर्वर हो चुकी है। अब एक कहावत कही जाती है अंग्रेजी में, स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, मतलब लोहा जब गर्म हो तब हथौड़ा मार देना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में जब से कोविड की शुरुआत हुई है, सुंदर साथ घर में बैठ करके जो 6-6 घंटे 8-8 घंटे वाणी की चर्चा सुन सुन करके अब हमारे हृदय में बहुत पहले से बहुत अधिक निर्मलता आई है, सेवा भावना आई है, पवित्रता आई है, समर्पण की भावना आई है। तो ऐसे समय में, ऐसे मौके को भुना करके यदि हम जागनी की यात्रा में निकलते हैं, सोचिए। एक उदाहरण के लिए, जैसे श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ है उदाहरण, कि वहां पर कई विद्यार्थी रहते हैं, बच्चे हैं जो वाणी बीतक सीख करके, अनेक भाषाओं को सीख करके, अनेक प्रकार की कला को सीख करके, संगीत के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से हमारी वाणी का, हमारी वाणी मतलब जो वाणी हमारे लिए आई है, जो वाणी हमारी जैसी और ब्रह्म सृष्टियों के लिए आई है उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन सिर्फ इतने से तो पर्याप्त नहीं होगा। एक उदाहरण के लिए, मैं मंच पर बैठा हूं तो आप लोगों ने मुझे एक महात्मा की शोभा दी है, एक प्रचारक की उपमा दी है, लेकिन क्या परम धाम में जब हम वादा कर रहे थे तो उस समय कोई महात्मा था, कोई प्रचारक था, कोई गादीपति था? कोई नहीं था। परम धाम में वादा करने वाले कौन थे? हम ब्रह्म सृष्टि, हम मतलब मैं या आप या हम सब, हम सब, इसका मतलब सबका फर्ज बराबर है, ठीक है, फर्ज सबका बराबर है। सब लोग एक जैसा काम तो नहीं कर सकते, लेकिन सब लोग एक जैसी सेवा में योगदान तो दे सकते हैं ना। एक लक्ष्य रख करके उस एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अलग अलग योगदान तो दे सकते हैं ना, कि नहीं दे सकते? और सोचिए कि इस 100 दिन के कार्यक्रम में हमें जो भी ज्ञानपीठ में रहने वाले आचार्य हैं उनके जैसा बनने के लिए प्रत्येक गांव से एक एक व्यक्ति भी मिला, एक एक बालक भी मिला, कि मैं ज्ञान सीख करके राज्य की सेवा करना चाहता हूं, मैं श्री जी की वाणी को, हमारी वाणी को जगह जगह तक पहुंचाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहता हूं, ऐसा भाव रखने वाला कोई भी बच्चा मिला या कोई बहन मिली, अथवा कोई ऐसा परिवार मिला जो कहे कि हम राज्य के चरणों में समर्पित हैं, कैसे? राजा राम और झाझन भाई जी की तरह, कि हम छोड़ करके तो नहीं आ सकते, लेकिन घर में हम माया का काम करेंगे, करते हुए भी हम माया से मुक्त रह करके जो भी हम सेवा करेंगे वो
धनी की सेवा में पहुंचाएंगे, धनी के चरणों में पहुंचाएंगे। ऐसे अगर सुंदर साथ हमें मिलते गए, और मैं सुंदर साथ से यही आह्वान करना चाहूंगा कि हम इस तरह से तैयार हों। और रही बात कि कोई व्यक्ति राजाराम झाझन भाई की तरह भी नहीं कर सकता, कोई प्रचार प्रसार के ज्ञान दृष्टि से सेवा भी नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम इतना तो बन सकता है कि हम अगर ज्ञान की सेवा नहीं कर सकते, हम शरीर को वहां पहुंचा करके सेवा नहीं कर सकते, तो कम से कम हम जो महीने में जितना भी कमा रहे हैं उसमें से थोड़ा सा साहित्य के प्रकाशन के लिए, ज्ञान के लिए, ज्ञान केंद्र ध्यान कक्ष के निर्माण के लिए, चर्चा भवन के निर्माण के लिए कोई आर्थिक योगदान दे, ऐसा तो हम कर सकते हैं। एक जंगल में एक बार, मैं बस एक उदाहरण देकर के समाप्त करूंगा, एक जंगल में एक बार घनघोर आग लग रही थी, एक बहुत बड़ा पेड़ था उसमें आग लगी, तो जितने जानवर थे सब, हाथी अपने सूंड में पानी भर रहा है, ऊंट अपने मुंह में पानी भर करके ले जा रहा है, सब लोग अपने अपने हिसाब से पानी भर करके उस पेड़ में डालने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े पक्षी हैं वो पानी भर के लेके आ रहे हैं, उसमें एक छोटी सी चिड़िया थी, वो अपने चोंच में पानी भर के ले आती है और उस पेड़ की तरफ दूर से ही फेंकने का प्रयास करती है। अब सोचिए कि वो एक बूंद पानी पेड़ तक पहुंचा भी नहीं सकती, क्योंकि पास में जाने पर तो वो जल जाएगी। तो किसी बड़ी चिड़िया ने उसको डांटा कि क्या कर रही है, मरना है क्या, तेरी एक बूंद पानी तो वहां तक पहुंचेगी भी नहीं, ऐसा क्यों कर रही है। तो कहती है वो चिड़िया कि जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वाले में होगा। तो जब हम परम धाम में जागृत हो, क्योंकि वाणी जिस हिसाब से कहती है परम धाम में, एक बार तो यहाँ की रील चलनी है, जो पिक्चर बन रही है उसमें रील तो चलनी है ना, वहां पर पता चलेगा कि किसने कितना सूत काता है, किन्हू कात्या सुहाग का सूत भर भर शेर, तो अब वहां जाकर के पता चले कि हमने अपने तरफ से कितना योगदान दिया है, हमारे मन की भावनाएं कितनी सच्ची है सेवा के प्रति, हम राज्य के प्रति कितने ईमानदार हैं, हमारे हृदय में प्रियतम के प्रति कितना प्रेम है, वो वहां पर जाकर के दिखेगा। यहाँ कितना भी दिखावा कर लें अथवा कुछ भी कर लें, यहाँ का कुछ भी वहां काम नहीं आने वाला है। इसीलिए हमें वहां की तैयारी करनी है कि यो तैयारी कीजियो, आगू करनी है दौड़, सब अंग इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। बस इतना ही कहते हुए मैं सभी सुंदर साथ को इस जागनी यात्रा में सेवा के लिए, समर्पण के लिए आग्रह करते हुए, आह्वान करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अब समय पूरा होता है।